Assalamu alaikum. Dear students, I hope all of you are fine. Today we are in the lecture number 23 of the Database Management System course, and you know the course code is CS403. In the lecture number 22, the previous lecture, we were discussing the physical database design. This is the stage when we are at the stage of implementing our logical database design. We have got our normalized logical database design we have passed through all the phases. Now, say, initial study, then conceptual database design, then logical database design, then normalization. But now is the stage when we are going to implement our design, our database practically. At this stage, way, our concern is to include the efficiency factor in it. See, normalized relations, they give you an efficient design. Fine. They give you an accurate टेक्निकली साउंड डिजाइन दैट इज फाइन बट वेन यू आर एट द स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट डिजाइन नो यू थिंक वंस अगेन दैट नो प्रैक्टिकली द इम्प्लीमेंटेशन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज हैज कम इस स्टेज पे अब आपने इफ्स को इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेव वॉन्ट टू मेक इट एफिशियंट और इसमें यह कि हो सकता है जैसे कि आप आज देखेंगे कि बाज दफा आप जो पीछे अपने काम किए हुए मे बी यू हैव टू निगेट यू टू कैंसिल Dear students, I also mentioned in the previous lecture that this stage that we are studying nowadays, uh, that we are studying in this lecture. Here you will get different options, and mind it, they are options. No one will ask you to adopt a particular option. It has to be your own decision, your own analysis. आप user requirements key base pe, the working of the database is, is base pay you decided. वट पर्टिकुलर ऑप्शन टू डॉप मिसाल के तौर पर वी स्टडीड वन थिंग एज कोडिंग अब कोडिंग इज एन ऑप्शन नो वन एवर आस्क यू अडॉप्ट कोडिंग और यू शुड द कोडिंग एट दिस पर्टिकुलर फील्ड और दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट नो वन विल आस्क यू इट हैज टू बी योर ओन डिसीजन आप देखें किफ देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्टोरेज दैट इज बीन कंज्यूम्ड बाय द डाटा बेस रादर दैन स्टोरिंग

कि आया ये जो एक स्टेज है वो जो हमने वहां पढ़ा था फिजिकल एडेवेंस डिजाइन में वो स्टेप इस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इससे क्या फर्क पड़ेगा क्या सिचुएशन है हमें क्या करना चाहिए तो अगेन ये आपका फैसला है जो आपने करना है और इसमें यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस यू विल फील वेरी इजी इन मेकिंग दिस डिसीजन ये इतनी कोई ऐसी खौफनाक खतरनाक बात नहीं है कि जिस जिसपे आप महसूस करें लेकिन यह है कि इस स्टेज पे आपके जहन में यह जाना जरूरी है कि डिफरेंट ऑप्शन हैं जिसको आप मुख्तिस स्टेज पे अडॉप्ट कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में से एक तो ये पढ़ा था कि डाटा वॉल्यूम और यूज एनालिसिस के बारे में एक चीज़ और सेकेंडली हमने पढ़ा था कि कैसे हम फील्ड्स को डिजाइन करते हैं और उसके ऊपर उसकी डेटा टाइप को एलोकेट करना असाइन करना डेटा टाइप और इसके अलावा उस डिफरेंट इंटैग्रिटी कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन ये हमने पढ़ा था आज हम देखते हैं कि आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे फिजिकल रिकॉर्ड्स एंड डी नॉर्मलाइजेशन जैसे मैंने आपसे कहा कि यू यू हैव हैव गॉट गॉट योर योर लॉजिकल डिजाइन डिजाइन रादर अब कहाजिकल डाटा बेस डिट इज इंप्लीमेंटिंग इट वेन यू आर प्रैक्टिकली डिफाइनिंग द रिकॉर्ड इन टू समूल डी बी एम एस तो ये यह यहां पर फिजिकल रिकॉर्ड्स बनेंगे तो यहां पर एक बास्ट है जिसपे यू विल अडॉप्ट ए कॉन्सेप्ट ए प्रैक्टिस दैट इज डी नॉर्मलाइजेशन यानी अजीब बात है कि अभी ही जस्ट पिछली जो स्टेज थी वो थी नॉर्मलाइजेशन वेयर यू नॉर्मलाइज द टेबल्स क्यों टू गेट ए स्मार्ट एंड एन एफिशियंट डिजाइन इस स्टेज पे हम कह रहे हैं कि नाव वी आर गोइंग टू डी नॉर्मलाइज दैन अगेन माइंड इट टू थिंग्स एफिशियंसी पर्पज फील करें कि चीजें डी करने से एफिशिएंट हो जाएंगी और दूसरी बात है कि again, no अब का मतलब यह है मतलब क्यों कैसे आइए देखते हैं इन लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन वी ग्रुप थिंग्स लॉजिकली रिलेटेड एक्सेस थ्रू सेम प्राइमरी की ये एक बेसिक अप्रोच थी कि हमने उन चीजों को कंबाइन किया रिलेशन की शक्ल में या जो रिलेशनशिप थे उनमें भी चीजों को कंबाइन किया और वो चीजें जो है वो दे आर नॉर्मली एक्सेस थ्रू द प्राइमरी की तो अब इन फिजिकल डेटा बिज डिजाइन फील्ड आर ग्रुप्ड एज दे आर स्टोर्ड फिजिकली एंड एक्सेस्ड बाई डी बी एम एस फर्क क्या हुआ वहां पर यह कि लॉजिकल जिनमें आपस पर रिलेशनशिप है कोई लिंक है वो चीजें एक जो प्राइमरी के थ्रू एक्सेस होती हैं वो वहां पर मेन कंसर्न होता है और उस तरह चीजों को आप ग्रुप करते हैं यहां पर यह है कि आपने उसको फिजिकली जैसे आपने स्टोर करना है उस तरीके से आप उनको इकट्ठा करेंगे और उस इकट्ठा करने में बास केसेस में आप उससे डेविएट कर जाएंगे कि जो आपने डिजाइन किया हुआ था लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में बास केसेस में नॉट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसलिए आप देखिए वो क्या सिचुएशन है कि जब हम उस रूटीन से उस अप्रोच से थोड़ा डेविएट कर जाएंगे वाई फॉर द एफिशियपजेज इन सम केसेज फॉर द एफिशियपजेज वी हैव टू डी नॉर्मलाइज द रिलेशन

के लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में जब आपने मुख्तु अपने रिलेसन बना लिए हुए उनको नॉर्मलाइज भी कर लिया हुआ no है यू हैव गॉट ऑन डिफरेंट रिलेशन दस हैं पंद्रह बीस पचास सौ जितने भी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर सिस्टम तो उसमें मुख्तलि आपस नंबर ऑफ रिलेशन हैं अब आपने उनको उनकी फंक्शनलिटी के रेफरेंस से या जैसे भी आप और लॉजिकल जैसे वापस में रिलेटेड थे उनको आपने कंबाइन आपने डिवाइड किया हुआ डिफरेंट रिलेशन के अंदर अब डी नामाइजेशन में क्या होगा कि आप उनमें से बाज को आपस में मिला लेंगे

अगेन मैं आपको बार बार इनकेस ये, ये कह रहा हूं कि ये एक ऑप्शन है यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू दैट यू विल नॉट बी आस्ट टू डू दैट जहां पे आप फील करेंगे कि यहां पे अगर मैं यू कर दूंगा तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी या डाटा प्रोसेसिंग एफिशिएंसी का एक सिंबल यानी आप जो उसका ना कि वो है क्या चीज़ ऐसी कोई आ, कोई बड़ी कंप्लेक्स चीज़ नहीं है उसको सिंपली आप यू समझ सकते हैं कि इफ यूजर क्यूरीज आर बींग रिस्पॉन्डेड रिलेटिवली क्विकली कम टाइम में इफ द यूजर क्वेरीज कैन बी प्रोसेस्ड तो उस केस में आप कहेंगे ठीक है ये आपकी जो है ना वो एफिशिएंट हो गई है चाहे अंडरलाइंग आपको उसमें एज अ डेवलपर एज अ एज ज्यादा काम करना पड़े लेकिन जो रिस्पांस टाइम है यूजर के लिए वो अगर बढ़ गया है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आपको वो वो डिसीजन ले लेना ले चाहिए अब यहां पे यू सी थ्री डिफरेंट सिचुएशन के जहां पर हमें सोचना चाहिए कि लेट्स डी नोर्मलाइज द थिंग मसलन मज टू एंटिटी टाइप इन one वन विद वन टू वन रिलेशनशिप जैसे कि साफ इसमें लिखा हुआ कि हमारे पास दो एंटिटी टाइप्स हैं हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारे पास कंसेप्टल डेटाबेस डिजाइन था व्हेन वी ट्रांसफॉर्म दैम इनटू द लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन तो आपको याद होगा कि जब चूंकि वन टू वन रिलेशनशिप है तो क्या हुआ कि हमने जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप थी उनके गैस रिलेशन बन गए और किसी एक की जो प्राइमरी की थी वो हम दूसरे में इस शामिल कर दी किसकी किस में की थी हम पहले पढ़ चुके हुए

अब ये तो आपके पास थे दो नॉर्मलाइज रिलेशन यहां पे वो ये कह रहे हैं कि उस जगह पे आप ये करें कि आप उनको आपस में मर्ज कर लें उन ये दो को जिनके दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप है उन रिलेशन को आपस में मर्ज कर लें वो रिलेशन जो बने थे दो वन टू वन रिलेशनशिप की वजह से दो एंटिटी टाइप्स के दरमियान उनको मर्ज करके एक रिलेशन बना लें अब होगा क्या होगा यह कि जो आपके पास इनमें से अगर एक ऑप्शनल है एक कंपल्सरी है जैसा कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में होता है तो जो आपका ऑप्शनल है जब इसको मर्ज करेंगे आपस में उसमें होगा यह आपके पास ऑप्शनल वाली साइड जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती तो उस केसेस में आपके पास एम्प्टी फील्ड में जो है वो नल वैल्यूज आएंगी जब नल वैल्यूज आएंगी इट मीन देर इज ए वेस्टेज ऑफ स्टोरेज लेकिन वो कहता है कि अगर ये इनकी आपस में जॉइनिंग बहुत ज्यादा होती है क्यों इसलिए देखिए कि जिस वक्त आप एक टेबल है आपने तो डेटा एक्सेस किया नोट यू वॉन्ट टू एक्सेस द डाटा द रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इनदर टेबल तो उस केस में आपको एक टेबल आपने जो है वो मेमोरी में एक्सेस किया हुआ है अब जो इससे रिलेटेड डाटा है उसको जब पिक करना होगा

एट्रीब्यूट uh, so, in है इस you are a one -to -one यहां पे दो एंटिटी टाइप्स हैं स्टूडेंट और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अब जो आपके पास स्कॉलरशिप एप्लीकेशन साइड है यहां पे वन ऑप्शनल है इसका मतलब यह है कि रियल लाइफ सिचुएशन में नॉट necessarily एवरी स्टूडेंट विल अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप इसलिए इस साइट पर ऑप्शनल है और ज़ाहिर है कि जो एप्लीकेशन होगी वो लाजमी तौर पर इट वुड बिल्क विथ इसलिए उस साइट पर कंपल्सरी वन किया हुआ है अब इस सिचुएशन में ज़ाहिर के अगर आपको पढ़ती है ज़रूरत के स्टूडेंट का डाटा चाहिए और साथ ही उसकी एप्लीकेशन का डाटा चाहिए मिसाल के तौर पर अगर आपको चाहिए स्टूडेंट का एड्रेस uh, और उसकी एप्लीकेशन डेट और क्वालिफिकेशन अब इस चीज़ में देखें आपको जब आप इसको प्रैक्टिकली अगर इन दो सेपरेट टेबल में इंप्लीमेंट करते हैं कि जैसा यू हैव डन इट इन द नॉमलाइज टेबल्स कि आपने इन दो के गेस्ट दो टेबल्स बना लिए हुए हैं उसके से प्रॉब्लम ये होगा कि जब आपको चाहिए स्टूडेंट का एड्रेस उसकी क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन एड्रेस उसमें होगा ये कि आपको पहले जाना पड़ेगा स्टूडेंट टेबल पर एक रीड करेंगे वहां से डाटा पिक करेंगे और फिर उसकी जो आई लेके उसकी उसका जो स्टूडेंट का आई लेके उसके बाद आपको दूसरे टेबल को रीड करना पड़ेगा एक ओर पे जाना पड़ेगा वहां से आप दोबारा टेबल को रीड करेंगे और फिर इसका जो रेलिवेंट डाटा है उसको सर्च करेंगे इस टेबल के अंदर ठीक है देर आर टेक्निक्स दैट मेक द सर्च वेरी एफिशिएंट और वन के वन टू वन केस में तो सर्चिंग काफी एफिशियंट हो जाती है लेकिन स्टिल यू हैव टू गो टू द सेकेंड टेबल यू हैव टू रीड दैट अब अगर इन दोनों को मर्ज कर दें हम करें क्या वी मेक ए सिंगल टेबल जाए दो के हम एक सिंगल रिलेशन बना लेते हैं इसमें करते ये हम के जो स्टूडेंट आईडी है उसी को हम रखते हैं एज प्राइमरी की और कैंपस एड्रेस एप्लीकेशन डेट और क्वालिफिकेशन अब यहां पे जो एप्लीकेशन आईडी है अगर तो इसकी जरूरत है हमें एज ए डाटा तो उसको स्टोर कर लें बट इफ इट इज वाज इट वॉज बींग यूज ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन उस केस में आपको एप्लीकेशन आईडी को स्टोर करने की जरूरत नहीं है तो इट्स अप टू तो यू या इट्स अप टू तो द रिक्वायरमेंट कि आया एप्लीकेशन अब इस केस में जबकि यू हैव मर्ज दीज टू रिलेशन इस केस में आया कि आपको एप्लीकेशन आईडी की जरूरत है कि नहीं है इन एनी केस जो स्टूडेंट आईडी है उसको आपने इस्तेमाल कर लिया एज द प्राइमरी की और बाकी जो उसके डाटा था जो उसका एड्रेस था और बाकी जो एट्रीब्यूट थे उसके एप्लीकेशन के स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के उसको आपने सिंगल टेबल बना लिया इसका नुकसान क्या है नुकसान यह है बिकॉज इट वॉज द सिचुएशन दैट नॉट एवरी स्टूडेंट अप्लाय फॉर द स्कॉलरशिप इसका मतलब यह हुआ कि जब आप डाटा एंटर करेंगे तो वो स्टूडेंट्स इस मर्ज टेबल में वो स्टूडेंट्स हैव नॉट अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप फॉर देम, द एक्ट्रीब्यूट रिलेटेड टू द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन दे विल बी नल सो दिस इज ए वेस्टेज ऑफ स्टोरेज फाइन एग्रीड, बट सी एडवांटेज इज दैट वेन यू वॉन्ट टू एक्सेस बोथ ऑफ देम टूगेदर द स्टूडेंट डाटा एंड द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डाटा बोथ आर देयर इन द सेम टेबल अब यहां पर देखें आप किस बेसिस पे यू मेक दिस डिसीशन पहला एक तो चीज ये हो सकती है कि अगर जो लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते उनकी तादाद बहुत कम है यू कहें कि द स्टूडेंट हुई फॉर द फॉर द स्कॉलरशिप दे आर टू मच या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इसका मतलब ये होगा कि इस केस में होगा ये कि जो आपके नल वैल्यूज होंगी वो निस्वतन बहुत कम रिकॉर्ड्स में होंगे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास फर्ज करें कि हजार स्टूडेंट हैं जिस जगह हम डाटा स्टोर किया हुआ है और फर्ज करने में से सात सौ साढ़े सात सौ आठ सौ लोग हैं अपलाई फॉर द स्कॉलरशिप इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ देम दे आर तो अब आपका जो डाटा वेस्ट हो भी रही है दैट इज नॉट दैट मच ठीक है भाई नुकसान तो हो रहा है लेकिन इतने ज़्यादा है उसमें नल नहीं जा रहा एक तो ये सिचुएशन हो गई दूसरी बात बोथ ऑफ एप्लीकेशन डाटा इफ दे आर एक्सेस वेरी फ्रीक्वेंटली इन मैनीकेशन टूगेदर उस केस में भी इवन the अगर आपकी जो वेस्टेज है वो कुछ ज्यादा भी हो रही है इवन देन यू कैन थिंक मर्जिंग दैम इन टू द सेम टेबल क्यों इसलिए कि आपकी मैक्सिमम एप्लीकेशन जो आपकी बहुत सी एप्लीकेशन रन कर रही हैं और वो उनको इकट्ठा एक्सेस कर रही हैं, दे बिकम एफिशिएंट एट द एक्सपेंस ऑफ स्टोरेज तो अगर आ, ये मतलब बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं है या इवन ज्यादा भी है अगर ये मैटर करती है और आ, इवन कस्टमर सेटिस्फाइड फील करता है और वो आपको कस्टमर डायरेक्टली नहीं बताएगा आप खुद से गैस भी कर सकते हैं कैलकुलेट भी कर सकते हैं या बाद में उसे फीडबैक भी ले सकते हैं इन एनी केस तो इफ यू फील इट काउंट्स इट्स वैल्यूज और किस बेसिस पे कि दोनों इकट्ठे बहुत सी एप्लीकेशन में एक्सेस हो रहे हैं देन गो फॉर ज्वाइनिंग दैम आई होप आपको ये सिचुएशन जो है वो समझ आ गए आइए आगे चलते हैं लेट्स सी वट इज द सेकेंड सिचुएशन वेयर डी नॉर्मलाइजेशन इज रिकमेंडेड और इज सजेस्टेड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स मैप्ड टू थ्री रिलेशन क्विरी इज नीडिंग डाटा फ्राम टू पार्टिसिपेटिंग ऑफ थ्री रिलेशन दैट इज एक्सपेंसिव एक बार देखियेगा कि आगे हम जब किसी स्टेज पे इसकी क्वेरी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि वट इज द कॉस्ट ऑफ एक्सिक्यूटिंग डिफरेंट ऑपरेशन ज्वाइन के बारे में आप पढ़ चुके हुए ज्वाइन क्या करता है कि दो डिफरेंट टेबल से वो डाटा को इकट्ठा करता है मिलाता है आपस में जो रिलेटेड है एंड द रिलेशनशिप इज ऑन द बेसिस ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ द कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू टेबल्स तो ये तो जॉइन ऑपरेशन है अब ज्वाइन ऑपरेशन जो है एक्सीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इज एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन इट टेक्स टाइम इट टेक्स क्यों कि आप फर्ज करें कि आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का और उसके अगेंस्ट है हमारे पास फर्ज करें कि कोर्सेज का कि ये स्टूडेंट जो है किस कोर्स में है तो अगर उनके दरमियान जो अगर दो टेबल्स की बात करें दो टेबल्स की बात करें तो उस केस में भी क्या होगा कि अगर आपने एक में स्टोर की हुई है फॉरन की दूसरे की प्राइमरी की तो क्या होगा कि आपको पहले एक वहां से रिकॉर्ड लेंगे जिसमें जिस फॉरन की पड़ी हुई है और वहां से फॉरन की, की वैल्यू लेके इसको मैच करने की कोशिश करेंगे दूसरे टेबल के अंदर से तो इस तरह से आपको दूसरा टेबल पे एक्सेस करना और उसमें सर्च करना उस वैल्यू की इट टेक्स टाइम और बड़े टेबल्स में ये काफी एक्सपेंसिव भी हो सकता है टाइम वाइज तो इस लिहाज से एक जनरल रूल ये है कि ज्वाइन जो है इट्स एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन के टेक्स रिसोर्स एंड टाइम अब आप ये सपोज करें कि हमारे पास वी गॉट ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप और जैसे हमने रूल पढ़े थे मैपिंग के उसका क्या था कि द पार्टिसिपेटिंग एटी टाइप बाइनरी केस में पार्टिसिपेटिंग एटी टाइप्स को वी ट्रांसफॉर्म दैम इन टू द रिलेश और जो उनका रिलेशनशिप था उसको भी हमने एज ए रिलेशन इम्पलीमेंट कर लिया एंड जनरली द प्राइमरी की ऑफ बोथ द इट रिलेशमन एज ए एज एज ए ए प्राइमरी की ऑफ दिस थर्ड रिलेशन अब फर्स्ट करें हमारे पास है सिचुएशन ये है कि हमारे पास है स्टूडेंट कोर्स और इनके दरम्यान रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी का अब आपके तीन रिलेशन बन गए अब फर्ज करें हमें यह चाहिए कि किस स्टूडेंट ने स्टूडेंट का नाम चाहिए और जिन कोर्सेज में वो एनरोल्ड है वो चाहिए दोबारा स्टूडेंट कोर्सेज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म किया स्टूडेंट का रिलेशन कोर्सेज का रिलेशन और उनके जो रिलेशनशिप है दरम्यान में मैनी टू मैनी का उसके अगेंस्ट लेट से एंड एनरोल रिलेशन तीन रिलेशन बन गए वी नीड स्टूडेंट नेम एंड द कोर्सेज नेम अब क्या हो रहा है कैसे होगा ये वैसे होगा कि पहले आप एक स्टूडेंट का आईडी नाम आईडी लेंगे पहले उसका स्टूडेंट टेबल से उसके बाद यू विल जॉइन इट विद द एनरोल एनरोल में जिन रिकॉर्ड्स के अंदर इस स्टूडेंट की आईडी एनरोल के रिकॉर्ड्स मिलती है आप उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे उनको एक्सेस करने के बाद यू विल गेट द कोर्सेज आई डी फ्रॉम द एनरोल बिकॉज कोर्सेज आई डी कोर्स एनरोल इज ए रिलेशनशिप टेबल यानी कि जो रिलेशनशिप के गेस्ट के बना था इसमें दोनों की प्राइमरी की होगी स्टूडेंट की भी और कोर्स की भी अब जिन कोर्सेज में स्टूडेंट एनरोल है वो कोर्स भी और स्टूडेंट की आईडी भी दोनों वहां मौजूद है एनरोल में तो अब क्या करेंगे पहले आएंगे स्टूडेंट से एनरोल पे कोर्सेज लेंगे फिर हर कोर्स को लेंगे और उसको मर्ज करेंगे कोर्स के साथ यानी एनरोल से कोर्स आईडी ली उसको मर्ज किया कोर्स के साथ वहां से आपको मिलेगा कोर्स का नाम इसका मतलब है यू विल हैव टू थ्री टेबल्स स्टूडेंट को एनरोल के साथ एनरोल को कोर्स के साथ तो इस तरह से आपको तीन टेबल के दरमियान ज्वाइन करना पड़ेगा यह सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यहां पे रिकमेंडेशन है कैसे द रिलेशन क्रिएटेड अगेंस्ट रिलेशनशिप इज मस्ट विद वन ऑफ द रिलेशन क्रिएटेड अगेंस्ट पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो आपने तीसरा रिलेशन क्रिएट किया था जिसको हमने एनरोल कहा है इसको किसी एक के साथ आप मर्ज कर दें इसका आपको एडवांटेज क्या होगा एडवांटेज आपको यह होगा कि रादर देन ज्वाइनिंग बिटवीन थ्री टेबल्स दो दोपहर ज्वाइन ऑपरेशन करने के यू विल हैव टू डू यूल जस्ट वंस दो टेबल्स के दरमियान बिकॉज नाउ वी हैव नॉट गॉट थ्री टेबल्स नाउ नाउ वी हैव गॉट टू टेबल्स और इनके दरमियान आपको ज्वाइन करना पड़ेगा यह फर्क पड़ गया इस सिचुएशन में लेकिन 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 फॉरन ध्यान में बात आनी चाहिए कि दिस इज डेफिनेटली सम वेस्टेज ऑफ स्टोरेज इन्वॉल्व आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा इट रोड्यूस वन जैन जैसे कि कहा गया फर्ज करें जैसे हमारे पास ये एक टेबल है एम्प्लॉय का इसमें एम्प्लॉय आई है एम्प्लॉय नेम है प्रोजेक्ट आई है और सैलरी है ये हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है ये हमारे पास प्रोजेक्ट का टेबल है प्रोजेक्ट आई है प्रोजेक्ट नेम इसमें यह देखें कि द प्राइमरी की ऑफ द एम्प्लॉय एम्प्लॉय आई डी यहाँ पे सेंटर लाइनिंग हुआ प्रोजेक्ट जो टेबल है उसकी जो आई है जो प्राइमरी की है वो प्रोजेक्ट आई है एंड देर इज ए मैन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं हुआ लेकिन हमारी वर्क की जरूरत है इसलिए मेनी इम्प्लॉयज वर्क तो ये एक बन गया था मैनी टू मैनी और उस मैनी टू मैनी रिलेशनशिपेंस्ट आपका जो वर्क टेबल है ये क्रिएट हुआ हुआ है ना और जाहिर है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉई आईडी और प्रोजेक्ट आईडी है वो प्राइमरी की है वर्क की और डेट हायर और सैलरी दीज आर द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट ऑफ दिस वर्क टेबल ये तो है हमारी नॉर्मलाइज्ड रिलेशन और ये वही सिचुएशन है कि जब आपको चाहिए कि फला जो एम्प्लॉय नेम है या फला एम्प्लॉय जो है वो किस पाल्ट पे काम कर रहा है और वो किस डेट पे हायर हुआ था नाउ फॉर दिस थिंग यू नीड टू मज थ्री रिलेशन दो जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो गए जब हम इसको डी नॉर्मलाइज करेंगे देन द रूल इज के यू मर्ज द वर्क रिलेशन विद वन ऑफ द टू रिलेशन इस केस में जो हमारे पास प्रोजेक्ट रिलेशन है निष्पतन छोटा है और चूंकि इसमें रिप्यूटेशन होनी है तो वी मर्ज दिस विद द वी मर्ज द वर्क रिलेशन विद द प्रोजेक्ट रिलेशन उससे क्या होगा कि अब आपके दो रिलेशन बन जाएंगे एक होगा आपका एम्प्लॉय और एक होगा प्रोजेक्ट लेकिन अब होगा ये कि जो एम्प्लॉयज का डाटा है वो इसी में आ गया वर्क डाटा इसी में आ गया अब टेबल क्या बन गया आपका जो प्रोजेक्ट टेबल हो बन गया कि जिसमें है प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम एम्प्लॉय आईडी डेट हाइड और सैलरी यानी और इस टेबल की जो अब आपका प्रोजेक्ट टेबल है नॉ द प्राइमरी फॉर दिस टेबल विल बी प्रोजेक्ट नेम एंड एम्प्लॉय आई और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विच नॉर्मल फॉर्म दिस रिलेशन इज वायोलेटिंग क्लियरली सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्यों कि आपका जो प्रोजेक्ट नेम है इट इज बिंग डिटर्मेंड बाय द प्रोजेक्ट आई डी ओनली इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो तो ना वो वायल्यूशन हो रही है सेकेंड नंबर फॉर्म की सो वी कैन से दिस इज एन अनॉर्मलाइज्ड टेबल फायदा क्या है इसका फायदा इसका ये है कि अब आपको जिस वक्त ये चाहिए कि फला एम्प्लॉई है वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसका नाम क्या है प्रोजेक्ट का और वो किस डेट को हायर किया गया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो सिंपली टेक the id of the project from the the id of the employee from the employee table and you take the join yet you merge it with the project now the project table contains the uh, project data also the hiring detail of the employee on that project तो so, आपको इसी table के अंदर से दोनों चीजें मिल जाएंगी project का नाम भी और उस employee के बारे में जो उसकी hire date थी और salary थी वो भी वहीं मिल गई आपको फायदा आपको क्या हुआ फायदा यह हुआ कि नाउ यू हैव टू ज्वाइन टू टेबल्स रादर देन थ्री टेबल्स तो वो एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई लिहाज से नुकसान क्या है इसका नुकसान यह है कि जो भी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की अनोमी थी नाउ दे आर देयर इसमें रिडंडेंसी है क्यों द प्रोजेक्ट नेम इज बी रिपीटेड यानी इसका मतलब यह हुआ कि इफ ऑन अ प्रोजेक्ट हंड्रेड स्टूडेंट्स हंड्रेड एम्प्लॉज आर वर्किंग तो वो जो प्रोजेक्ट नेम है इट इज बींग रिपीटेड हंड्रेड टाइम्स वो जो इन उसमें आ चुकी हुई है लेकिन आप उसका एडवांटेज देखिए एडवांटेज ये है कि आपको जो आपकी वेरी फ्रीक्वेंट जो क्वेरीज हैं जिस जिसपे आप कहते हैं कि ये एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और किस डेट को हायर हुआ था उसकी सैलरी क्या है नॉ दैट इज बीइंग रिट्रीव्ड वेरी एफिशिएंटली रिटेंडेंसी वहाँ पे है इंसर्शन नॉर्मली वहाँ पे है डिलीशन नॉर्मली अपडेशन नॉर्मली सब वहां पर हैं बट इफ यू सी द सिचुएशन के हम नॉर्मली अपडेशन इतनी फ्रीकुवेंटली नहीं करते मिसाल के तौर तो पर प्रोजेक्ट नेम है आप कहते हैं कि जी वो हम इतनी फ्रीकुंटली चेंज ही नहीं करते तो ठीक है चले वो अगर करेंगे भी सही तो ठीक है यू नो के आपको सब में करना पड़ेगा इसी तरह अगर आप देखें कि ये बात भी इसमें आ गई बड़ी जो एक ज्यादा सीरियस बात है कि यू कैन नॉट एंटर ए प्रोजेक्ट इन टू दिस टेबल अनलेस एन अनएम्प्लॉय इज असाइन टू दैट प्रोजेक्ट ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए तो नोइंग द ड्रॉबैक्स फिर आप देखिए कि जो उसका एडवांटेज है डज इट आउट वे द ड्रॉबैक्स अगर जो एडवांटेज है वो ज्यादा है और ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्सबतन कम है देन यू शुड गो फॉर दैट तो ये दूसरी सिचुएशन थी कि जिसमें वी शुड डू द डी नाइजेशन आइए आगे चलते हैं डी नॉर्मलाइजेशन सिचुएशन थ्री रेफरेंस डेटा वन टू मैनी सिचुएशन वेन दी टाइप ऑन वन साइड

बजाय कि आप जो एक मैनी साइड पे आपके जो है टेबल है वो वन साइड पे आप उसका बजाय वलीज रिपीट करने के आप उसकी जो प्राइमरी की है वन साइड पे मैनी पे, साइड पे उसको डाल देते हैं आप एज फॉरन की और वो उससे रेफरेंस होता रहता है तो जिस बास केसेस में आप ये देख लें कि अगर जो आपका रेफरेंस टेबल है वो किसी और रिलेशनशिप पे इन्वॉल्व नहीं है और उसका मकसद सिर्फ यही है कि वो जो आपका टेबल है यहाँ पे उसमें वो रेफरेंस के तौर पे काम करे उस केस में उस रेफरेंस टेबल को आप बजाय कि आईडी के थ्रू लिंक करने के पुट द डाटा इनटू द मेन टेबल आप इसके एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं स्टूडेंट को और हॉबी को हमने ये पहले भी देखा हुआ कि इफ यू गॉट ए स्टूडेंट टेबल एंड वन स्टूडेंट कैन हैव वन हॉबी तो इस तरह से वन हो गया एंड वन हॉबी कैन बी ऑप्टेन कैन बी एक्वायर्ड बाई मैनी स्टूडेंट्स तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गया इसमें यह है कि अब, अब पहले हमने क्या रूटीन किया हुआ था कोडिंग भी जब हमने बात की है तो हमने ये कहा था कि बजाय कि हम स्टेट में प्लेस करें वहां पे हॉबी को हम प्लेस कर रहे थे वहां पे जस्ट उनके कोर्स को अब इसको हम अगर इन्वर्स कर लें क्योंकि इसका फिर वही बात है कि एक बैलेंस करना पड़ेगा कि ड्रॉबैक इसका कोडिंग ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि हमें दो टेबल्स को एक्सेस करना पड़ा फिर उनको ज्वाइन करना पड़ता है वैल्यू ढूंढने के लिए तो यहां पर हम ये करेंगे कि हम स्ट्रेट अवे उसको जो वैल्यू है वो वहां प्लेस कर लें अब उसका नुकसान क्या है कि आपका जो स्टोरेज वाइज जो है डाटा वो स्टोरेज वाइज आपका वेस्टेज हो रही है बिकॉज द वैल्यूज टेक मोर स्पेस एज कंपेयर टू द कोड या जो उसकी आई है लेकिन इसका आप एडवाटेज ये है कि आप रदर दैन एक्सेसिंग टू टेबल्स एंड मर्जिंग दैम टू गेट द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑल द डाटा इन द सेम टेबल तो ये वो सिचुएशन है कि जिस वक्त हम वन टू मैनी को भी आपस में यानी मर्ज कर देंगे डियर स्टूडेंट्स यहां तक वी हैव स्टडी डिफरेंट ऑप्शन ऑफ द डी नॉर्मलाइजेशन और ये मैं फाइनली आपको ये दोबारा दफा फिर कह रहा हूँ कि ऑलवेज सी वट आर द एडवाटेज वट इज द बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग फ्राम द डी नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द ड्रॉबैक द एक्स्ट्रा वर्क द पॉसिबल टाइप्स ऑफ एरर दैट कुड हैपन ड्यू टू दिस डी नॉर्मलाइजेशन अब दोनों का कंपेयर कीजिए अगर जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसमें डी नोमेशन से अगर वो ज्यादा हैं और जो इसकी कॉस्ट है इन टर्म ऑफ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज बल्कि इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा स्टोरेज या इन टर्म्स ऑफ रिस्क स्टोरेज तो ठीक है वो हो गया कि उसमें आपने मैनेज करेंगे एक्स्ट्रा जो आपको स्पेस लगेगी लेकिन जो एक्स्ट्रा रिस्क है इसमें इनकसिस्टेंसी होने का दैट यू हैव टू मैनेज जैसे डुप्लीकेशन के जो ड्रॉबैक हैं जब अपडेशन आप पार्शली अपडेशन हो सकती है

इट्स यूजलेस जो सिस्टम सही काम ही नहीं कर रहा वो एफिशिएंट हुआ तो क्या हुआ इसलिए ऑलवेज कीप योर कीप दिस थिंग इन योर माइंड के आपका सिस्टम सही काम करना चाहिए हा उसके बाद यह है कि इट शुड बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल तो इसलिए डी नॉर्मलाइजेशन इज एन इज ए पॉसिबिलिटी जिसकी तीन सिचुएशन आपने देख ली और आप देखिए कि के किस केस में आपको डी नॉर्मलाइज करना चाहिए ऐसा मत कीजिएगा कि के हर केस में यू आर गोइंग फॉर द डी नॉर्मलाइजेशन नो एनालाइज द सिचुएशन आइए आगे चलते हैं पार्टिशनिंग पार्टिशनिंग कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज एज अ फॉर्म ऑफ डी लेकिन उसमें आप क्या करते थे कि आप डिफरेंट टेबल्स uh, को मर्ज कर रहे होते थे यहां पर यह होगा कि आप सेम टेबल को डिवाइड कर देंगे पार्टीशन कर देंगे देखिए क्या होता है इसमें डी लीड्स टू मर्जिंग डिफरेंट रिलेशंस, वेयर एज पार्टिशनिंग स्प्लिट्स सेम रिलेशन इन टू टू इसमें जो वो एक फैक्टर था कि जो डुप्लीकेशन हो रही है वो चीज तो नहीं होगी लेकिन है है कि इसमें आपको टेबल जो है वो ब्रेक हो जाएगा रीजन हम देखेंगे कौन सी रीजन पे टू टाइप्स आर पॉसिबल हॉर्जेंटल पार्टिशनिंग एंड वर्टिकल पार्टीशनिंग पहली बात तो यह पार्टीशन से क्या मुराद है पार्टीशन से मुराद है आप उसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं हिस्से टुकड़े पार्ट्स यानी आप एक टेबल को एक से दो या दो से ज्यादा टेबल्स में डिवाइड कर दें एक ही टेबल को एक से ज्यादा हिस्सों में आप तकसीम दें डिवाइड कर दें दे। यानी पहले हमारे पास अगर एक टेबल था अब पार्टिशनिंग के बाद दो हो जाएंगे या तीन हो जाएंगे जितने भी आप उसके पार्टिशन करना चाहें तो पार्टीशनिंग तो ये है कि सेम टेबल को आपने डिवाइड कर दिया डिफरेंट टेबल्स में अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल हॉर्जेंटल से क्या बरात है हॉरिजेंटल से बरा दिया कि आप उसको रो वाइज कर रहे हैं और वर्टिकल से मरा उसको कॉलम वाइज कर रहे हैं आइए देखते हैं टेबल इज स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ रोज ये रो वाइज आप उसको स्प्लिट कर देते हैं यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक टेबल है उस पर फर्ज करें कि एक लाख रिकॉर्ड थे तो आप एक लाख रिकॉर्ड के लिए अगर उसकी पार्टीशन बनाते हैं तो उसमें होगा यह कि उसमें लाइक डर से तीस तीस हजार की तीन पार्टीशन बना लिया आपने या दो बनाई तो पचास हजार की पचास हजार की या इक्वल जरूरी नहीं भी है एक में चालीस हजार हो गए एक में साठ हजार हो गए अब जो आपकी हॉर्जेंटल पार्टिशनिंग है वो एफिशिएंसी कैसे लेके आती है वो एफिशिएंसी ऐसे लेके आती है कि इट इज रिलेटिवली मोर एफिशिएंट इट टेक्स लेस टाइम टू प्रोसेस ए लार्ज टेबल टू प्रोसेस ए स्मॉल टेबल एज कंपेयर टू लार्ज टेबल छोटे टेबल को प्रोसेस करने में आपने कोई ऑपरेशन करना है ज्वाइन करना है कोई सिलेक्शन करनी है कोई सर्चिंग करनी है उस पर कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू लार्ज टेबल के एक तो बात यह है दूसरी बात यह है कि आपने ये देखना है कि अगर वहां पे पार्टिस्टिंग पॉसिबल है भी सही कि नहीं ये हम जब तो डिफरेंट टाइप की पार्टीशन पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक तो आप रखें मैटर करती उसकी इस तरह से ब्रेड भी रोज का साइज है तो साइज में दोनों चीजें मैटर करती हैं जाहिर है तो एक जनरल रूल तो ये है कि छोटे टेबल्स को प्रोसेस करना एक्सेस करना कोई सर्चिंग करना वो एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू लास्ट टेबल्स की तो एक जनरल रूल है उसके बाद फिर हर जो पार्टीशनिंग है उसकी फर्दर भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बेसिस पे यू डिसाइड कि आपको पार्टीशनिंग करनी चाहिए किस टाइप की करनी चाहिए वही टू प्रोसेस विद स्मॉल नंबर ऑफ रोज या स्मॉलर टेबल लास्ट टेबल ऑल्सो हेल्प इन देंटेनेंस ऑफ टेबल्स लाइक सिक्योरिटी ऑथोराइजेशन बैकअप सिक्योरिटी में यह है कि आप मिसाल के तौर पर अगर आप ये चाहते हैं कि हमने उसका कुछ कुछ यूजर्स को हमने कुछ टेबल्स के ऊपर देनी है एक्सेस और कुछ को दूसरे के ऊपर तो इस लिहाज से आप वो के वो फर्ज करें कि हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एक लाख रिकॉर्ड है उनमें से कुछ हमारे पास यूजर ऐसे हैं जिनको हम उनमें से सिर्फ फर्ज करें कि कुछ तीस हजार रिकॉर्ड थे उन पे एक्सेस देनी थी तो राधर देन प्लेसिंग ऑल इन द सेम टेबल आप ये करें कि आप उनको मल्टीपल टेबल प्रेस कर लें तो जिस जिसमें एक यूजर ग्रुप को चाहिए उसको सिर्फ उस पार्टीशन पर एक्सेस दें जिसमें दूसरे ग्रुप को रिकॉर्ड चाहिए तो दूसरी पार्टीशन प्लेस करके उनको उस पर एक, आप एक्सेस दें तो ये सिक्योरिटी वाइज भी हो जाएगा और फिर यह है कि एक और चीज में ये देखें कि इन केस ऑफ फेलियर अगर आपका फर्ज का एक बड़ा लार्ज टेबल है वो अगर आपका यानी फ्लॉप होता है या किस तरह वो डैमेज होता है तो यू गैट ए बिगर लॉस अगर वो छोटे पार्टीशन में है अगर आपका पार्टीशन जो है वो

यानी ये देखिए वही जब जैसे हमने पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास फर्ज करें कि हमारे पास एक टेबल में एक लाख रिकॉर्ड है और उस तमाम रिकॉर्ड्स को एट द सेम टाइम फर्ज करें कि पंद्रह यूजर्स जो है वो एक्सेस करते हैं साइमटेनियसली इसका मतलब यह है कि फिफ्टीन डिफरेंट यूजर्स आर ट्राइंग टू एक्सेस द सेम डिस्क तो हो सकता है उसमें जो एक्से जो रिस्पॉन्स टाइम है या जो डिस्क की यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिससे कि ऑब्वियसली उसके फेलियर चांसेस बढ़ जाते हैं तो इसलिए आप उस जो डिस्क पे जो रश है जो उस पर एक कंटेंशन सिचुएशन हो गई है उसको रिड्यूस करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि यू क्रिएट द पार्टिशन एंड प्लेस डिफरेंट पार्टीशन ऑन डिफरेंट डिस्क उस पर क्या होगा कि अब जो जो यूजर्स की जो क्वीरीज आएंगी बजाय कि वो एक ही डिस्क के ऊपर जा रही हैं नो दे कैन बी डिवाइडेड ऑन टू डिफरेंट डिस्क तो उसका यह भी पार्टीशन का हमें फायदा हो सकता है अब जो हॉर्जल पार्टीशनिंग है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं या वो डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है यहाँ पे यानी मैं कुछ जनरल टाइप्स की मेंशन कर रहा हूँ पार्टीशन और ये वेरी करता है डिपेंड करता है फ्रॉम डी बी एम एस टू डी बी एम एस हो सकता है कि कोई एक जो टूल है वो आपको कुछ और तरह की पार्टीशन दे कोई दूसरा टूल किसी और टाइप की तो वो वेरी करता है लेकिन ये जनरल हैं जो कि मतलब तो आपको जनरली डी बी एम एस के अंदर मिल जाती हैं तौर तो पर एक है रेंज पार्टीशनिंग दिस इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप ये कह दें कि आप कोई रेंज फिक्स कर लें कि रेंज क्या होगा कि यू प्लेस ए चेक यू प्लेस ए कंडीशन ऑन द वैल्यू ऑफ सम एट्रीब्यूट क्योंकि जो आपकी हॉरिजेंटल पार्टिशनिंग है उसमें एक बात पहले ध्यान में रखिएगा कि वो हमेशा रो वाइज होगी हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग मीन रो वाइज कि आप एक टेबल की जो रोज हैं, उनको डिवाइड कर देंगे डिफरेंट पार्टिशनिंग पार्टीशन में तो अब जिस वक्त आप कहते हैं रेंज पार्टिशनिंग इससे क्या मुराद है इससे मरा दिया कि आपके पास जो भी डाटा है उसमें से किसी भी एक एट्रीब्यूट के ऊपर आप उसकी वैल्यू के ऊपर एक चेक लगा दें और यह चेक जनरली आप उसको आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए इंप्लीमेंट करते हैं या उसके और भी कोई तरीके हो सकते हैं लेकिन आप उस पर एक कंडीशन लगा दें कि इस एट्रीब्यूट की इस रेंज की जो वैल्यू है वो इस पार्टीशन में, में आएंगी इस रेंज की वैल्यू जो है वो इस पार्टीशन में आएंगी और अनलाइक दैट like आपने दो पार्टीशन डिफाइन करनी है तीन करनी है चार करनी टोटली अप टू यू तो उसका आपको फायदा ये हुआ कि आपने रेंज पार्टीशन जब दी तो डिफरेंट जो आपकी रोज थे जो डिफरेंट रेंज में लाइक करती हैं वो डिफरेंट पार्टीशन में आ गई तो इंडिविजुअल टेबल का पार्टीशन साइज रिड्यूस हो गया बट एट द सेम टाइम इफ यू वॉन्ट ए क्यूरी दैट एक्सपेंड ओवर द एंटायर टेबल यानी आपके पास ऐसी क्यूरी है जिसके लिए आपको तमाम रिकॉर्ड अगर एक लाख रिकॉर्ड थे तो मोस्ट ऑफ द अपलिकेशन जो हैं वो फर्ज करें कि तीस हजार पे अब चलती हैं कुछ इस पे चलती हैं तीस हजार पे कुछ इतिस हजार पे तो उनके लिए आपने उनको पार्टीशन कर दिया लेकिन एक कुछ क्योरी ऐसी भी है कि दैट स्पेंस अपॉन ऑल दिस रोज इनको एक लाख रिकॉर्ड सब पे चलती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो उस पर आप जब आप कहेंगे जब भी आप चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में वो एज अ सिंगल टेबल भी आप उनको व्यू कर सकते हैं यानी आइडिया ये है कि आप क्रिएट तो टेबल ही करेंगे साथ ही उसकी पार्टीशन डिफाइन कर देंगे और पार्टीशन वो अगर रेंज की बेसिस पे हो रही है तो रेंज भी डिफाइन कर देंगे अब जिस वक्त यू विल अप्लाई क्यूरी ऑन द टेबल नेम टेबल आप जब देंगे तो वो तो आपकी ऑटोमेटिकली तीनों को ज्वाइन करके तीनों को मिला के वो पूरे तमाम पार्टीशन के ऊपर हो जाएगी लेकिन वेन यू वॉन्ट टू अप्लाई अपलाई क्यूरी और एक एन एप्लीकेशन पर्टिकुलर पार्टीशन आप सिर्फ उसी का नाम दे दीजिए तो वो सिर्फ उसी के ऊपर चलेगी तो दिस इज कॉल्ड रेंज पार्टीशन इस, तो इस, तो इस, इस एग्जाम्पल हो सकती है मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं कि Uh, अगर आप स्टूडेंट आईडी की बात करते हैं आप कहते हैं कि जी ठीक है जिन स्टूडेंट्स की आईडी जो है वो एक से लेके और एक हज़ार तक है वो पार्टीशन वन में आ जाएं, जिनकी एक हज़ार एक से लेके और दो हजार तक है वो पार्टीशन टू में आ जाएं, और फर्ज करें जो दो हज़ार एक से लेके तीन हज़ार तक है वो पार्टीशन थ्री में आ जाए इफ योर स्टूडेंट आई डी रेंजेज फ्राम वन टू थ्री थाउजेंड तो इस तरह से आप उसकी तीन पार्टीशन बना लेंगे जिस वक्त भी आप रिकॉर्ड uh, एंटर करेंगे तो डी बी एम एस ऑटोमेटिकली करेगा कि ये इसकी uh, की की वैल्यू है जो आपने डिटर्मिन की है उसके बेस पे द डीबीएमएस विल ऑटोमेटिकली प्लेस इट इन टू द अप्रोप्रिएट पार्टीशन इसकी एक और एग्जाम्पल जो है पास एज भी हो सकती है यू कैन से लाइक द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ से फिफ्टीन टू ट्वेंटी दे आर इन वन पार्टीशन द पीपल फ्राम ट्वेंटी एंड लाइक दैट आप एज के बेसिस पे भी आप उसकी पार्टीशन बना सकते हैं द रेंज पार्टीशन उससे क्या होगा कि वेन एवर यू एंटर द रिकॉर्ड यू डू नॉट नीड टू वरी कि इन विच पार्टीशन इट इज गोइंग यू सिंपली एंटर द वैल्यूज आप यूस yes की वैल्यू है उसकी उस वैल्यू को देख के द विल ऑटोमेटिकली प्लेस इट इन द अप्रोप्रिएट पार्टीशन और अगर आपने तमाम के ऊपर करनी है तो आप सिंपली जो टेबल था आपका उसके ऊपर क्यूरी दें वो ऑटोमेटिकली सब पार्टीशन पे स्पैन कर जाएगी डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको जो रेंज पार्टीशन है वो क्लियर हो गई होगी रेंज पार्टीशन में जो एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी चांसेस हैं वो ये है कि आपकी जो पार्टीशन हैं, दे मे बिकम अनबैलेंस यानी अगर आपको इस पे कंट्रोल नहीं है कि जो आपका डाटा एंटर हो रहा है वो किस नेचर से हो रहा है किस स्टाइल से हो रहा है तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी एक जो पार्टीशन है वो हैवीली लोडेड है उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हैं लेकिन कुछ पार्टीशन में कम है और किसी में है ही नहीं मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हो कि हमारे पास जो एम्प्लॉय रेंज है वो एक से लेकर तीस हजार तक पार्टीशन वन में है इकतीस हजार से तीस हजार से लेकर साठ हजार तक जो है पार्टीशन टू में है और साठ हज़ार से लेके और लेकर एक लाख तक पार्टीशन थ्री में है अब भी ऐसा हो सकता है किसी एक स्टेज में या डाटा एंट्री के दौरान कि आपके पास जो तीस हजार से लेकर साठ हजार वाली है उसमें तो फर्ज करेंगे पच्चीस हजार रिकॉर्ड है कि आपने इतने रिकॉर्ड उसमें एंटर कर दिए लेकिन जो बाकी दो थी बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल ऑन द इनपुट ऑफ डाटा किस फ्लो में एंटर हो रहा है फ्लो उसका ऐसा हो गया कि उस वाली पार्टीशन में तो बहुत सारे आ गए लेकिन जो बाकी पार्टीशन थी लट से जो एक से तीस हजार वाली थी हो सकता है उसमें दो हजार हो और जो आगे वाली है ये साठ हजार से जो एक लाख तक है हो सकता है उसमें इससे भी कम हो तो ये एक पॉसिबल एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जब जो फ्लो ऑफ डाटा है जो इनकमिंग ऑफ डाटा है उस पर अगर आपका प्रॉपर कंट्रोल नहीं है उसके सीक्वेंस पे देन वन पॉसिबल प्रॉब्लम विद दिस रेंज पार्टीशन इज के इट मे मेक इट मे टर्न द पार्टीशन अनबैलेंस तो वो भी आपको ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं देगी क्योंकि जो एप्लीकेशन आपकी चल रही हैं हैवीली लोडेड पार्टीशन पे वो नस्बता आपकी स्लो आएंगी और जो के जिसमें कम रिकॉर्ड हैं वो uh, जो है उसमें आपको ज्यादा जल्दी मिल जाएगा जवाब तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है और अगेन आपको पता चल गया कि रेंट पार्टिशन होती क्या है इसके एडवांटेजेस क्या हैं लेकिन साथ ही इसका ड्रॉबैक क्या है अब देखिए पार्टिशनिंग की जो और टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं है। हैश पार्टिशिंग हॉरिजेंटल पार्टिशनिंग की एक और टाइप है इसमें अब होता यह है कि आप जो रेंज पार्टिशनिंग की जो ड्रॉबैक मैंने मैंशन की है कि आपके जो पार्टीशन हैं वो अनबैलेंस हो सकते हैं अपने वॉल्यूम के लिहाज से या लोड के लिहाज से उसको एक लिहाज से बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक ये चीज़ है हैश पार्टिशनिंग हैश के बारे में यू माइट हैव स्टडीड अबाउट इट इन द डाटा स्ट्रक्चर्स क्योंकि उसका ये टॉपिक है लेकिन इन केस अगर आप नहीं पढ़ा तो हैश का बेसिकली आप ये देखें कि उसका आइडिया ये है कि आप किसी एक एट्रीब्यूट के किसी एक वैल्यू के ऊपर जिससे कि आप हमारे एलग्रिदम अप्लाई करते हैं इस पर कोई प्रोग्राम चलाते हैं कोई एलग्रिदम अप्लाई करते हैं उस एलग्रिथम से कोई आपको रेंडमली एक वैल्यू मिलती है तो उस वैल्यू के बेस पे यू मेक डिफरेंट डिसीजन आप चीज़ों को प्लेस करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कुछ भी करते हैं तो हैश पार्टीशनिंग का आइडिया यही है कि रादर देन डिफाइनिंग ए रेंज कि ठीक है जी इस रेंज की चीजें इस पार्टीशन में इसकी इसमें वगैरह वगैरह आप क्या करें आप हैश पार्टीशन कर लें आप क्या करें कि आप एट्रीब्यूट डिफाइन करें

जो है वो उसके हैं ये एट्रीब्यूट है इस पे hash, इस हैश हैश करो करो। और करो. DBMS इस पे एक अप्लाई uh, करेगा और उस एलग्रिदम की बेस पे डीबीएमएस डिसाइड कि जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो किस पार्टीशन में जाना चाहिए अब इस प्लेसमेंट के दौरान जब वो प्लेसिंग द डिफरेंट पार्टिशन द डीबीएमएस इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द बैलेंस ऑफ द पार्टिशन इसमें आपके पार्टीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस नहीं होंगी उनमें ऑलमोस्ट जो है वो सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड रहेंगे और माइंडेड इससे अपने जहन में ये मत मतलब लीएगा कि वो हर एक में एक एक प्लेस कर रहा है या दे विल ऑलवेज बी एग्जैक्टली बैलेंस कि एक आधे रिकॉर्ड का फ़र्क होगा नहीं ऐसा नहीं है लाइक पंद्रह बीस तीस चालीस सौ इतने रिकॉर्ड का फर्क हो जाएगा लेकिन इतने रिकॉर्ड्स के फ़र्क से एफिशिएंसी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना कि इतना हो कि एक में आपके पास जैसे रेंज पार्टीशन है एक में डर से पच्चीस हज़ार हैं और एक में एक हज़ार हैं

यू स्पेसिफाई सर्टन वैल्यूज के इस एट्रीब्यूट की जो ये 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 वैल्यू है वो इस पार्टीशन में आ जाए ये 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 इसमें आप यानी स्पेसिफिकली हर पार्टीशन के लिए यू स्पेसिफाई सर्टन वैल्यूज कि ये ये वैल्यूज फ्लांफला पार्टीशन में आ जाए इसलिए उसको तो कहते हैं लिस्ट पार्टीशनिंग इसमें जाहिर है कि आपको आप, आप देखें एक तो बात है कि आप जैसे आप रेंज में एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं तो यहां पर आप रेंज नहीं दे सकते यहां पर कूड़े देने की जरूरत नहीं है साफ तौर पर आप कहते हैं कि फर्ज से कलर की बात करें आप कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं व्हीकल्स की या कार कलर की बात करते हैं हम कहते हैं जो रेड और ब्लैक जो है वो इस पार्टीशन में आ जाए जि जिसमें फर्ज के व्हीकल कर रहे हैं तो व्हीकल कलर हमारे पास अगर एक एट्रीब्यूट है तो व्हीकल कलर अगर रेड है और ब्लैक है तो वो पार्टीशन वन में और अगर वो वाइट है और ग्रे है तो पार्टीशन टू में और फर्ज कर अगर वो ब्लू है तो पार्टीशन थ्री में तो इसमें आपने क्या किया कि एक लिस्ट स्पेसिफाई कर दी हर पार्टीशन के लिए दैट इज कॉल्ड द लिस्ट पार्टीशनिंग। अब ये हमारे पास तीन टाइप्स की यानी पार्टीशनिंग थी और बास डी बी एम एस जो है वो इनके डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है वो भी सप्लाई करते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं तो वो आप जो जो पर्टिकुलर टूर इस्तेमाल करेंगे जब हम तो उस वक्त देखेंगे हमारा जो, जो टूल है वो कौन सी टाइप की पार्टीशन जब वो सपोर्ट करता है लेकिन अगेन अब दिस इज नो योर जॉब कि आपने ये डिसाइड करना पहली बात तो पहले सवाल ही ये है कि आया हमें पार्टीशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो वो तो वही सिचुएशन है कि व्हेन द टेबल साइज इज तो टू लार्ज और डिफरेंट एप्लीकेशन के बेस पे जब वो निसपे स्लो हो रहा है और आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि यू कैन आ, यू कैन डिवाइड इट हॉरिजेंटली आप अगर एप्लीकेशन की एक्सेस के लिहाज से इफ यू कैन प्लेस दम डिफरेंट पार्टीशन तो आप फिर कहेंगे ठीक है मुझे पार्टीशन कर लेनी चाहिए और फर्दर ये भी इसमें डिसीजन एक हो सकता है कि ठीक है अगर मैं इनको ये भी कर सकता हूं कि आई कैन प्लेस डिफरेंट पार्टीशन और डिफरेंट डिस्क तो वो डिस्क कंटेंशन को भी कंट्रोल कर लेगा तो सबसे पहला तो वही बात है कि आपने ये देखना है कि मुझे पार्टीशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पहला सवाल यही है उसके बाद उसके बाद यह है कि यू हैव गॉट डिफरेंट पार्टीशन टाइप्स के जैसे हमने यहां देखा है कि रेंज है या हैश है या लिस्ट है या कोई कॉम्बिनेशन है फिर उसके बाद आपने देखना है कि जो डा, जो डाटा फ्लो है वो किस तरह से डाटा किस तरह से आ रहा है उसके मुताबिक फिर आप डिसाइड करेंगे कि अगर तो आपको पता है कि डाटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना है तो यू कैन गो एंड प्लस यू हैव गॉट ए फॉर्म ऑफ रेंज आप रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके बेसिस पे जो हमारा इनफ्लो है डाटा का वो ईवन है तो आप उसको अरेंज कर लें लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर दफ़ा आप रेंज नहीं भी दे सकते देन यू हैव गॉट द हैश पॉसिबिलिटी एंड आल्सो यू हैव गॉट द लिस्ट पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे आपके पास एक रेंज स्पेसिफाई करने का नहीं बल्कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ के केस में है तो इस तरह से ये देखिए कि ये सारे डिसीशन हैं और ये आपकी जो अल्टीमेट डाटा प्रोसेस की एफिशेंसी है उस पर उनका इनका, इनका असर है तो यही वो डिसीशन जो आपने करने हैं एज ए डिवेलपर एज ए डिज़ाइनर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने नॉम फिजिकल डाटाफेस डिज़ाइन को ही डिस्कस कर रहे हैं हमारी जो डिस्कशन इसके ऊपर है वो थोड़ी सी और चलेगी जिसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वी हैव डिस्कस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द फिजिकल डाइटाफेस डिज़ाइन वन इज डी नॉमलाइजेशन एंड अदर इज़ हॉर्जेंट्रल पार्टिशनिंग डी नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा कि आप कैसे जो नॉर्मलाइज्ड रिलेशन आपके जो कि आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद मिले थे उनको आप डी नॉर्मलाइज कर लेते हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं उनको मर्ज कर लेते हैं हालांकि एफिशेंटली या जो एक ज्यादा एक्यूरेट अप्रोच है वो यही है कि वो नॉर्मलाइज रहें अलग अलग रहें लेकिन एफिशंसी परपजेस के लिए हमने उनको आपस में उनको हमने आपस में मर्ज कर लिया और दूसरी बात यह है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो पार्टिशनिंग है पार्टीशनिंग आप सेम टेबल को हॉरिजेंटली स्प्लिट कर देते हैं और जो पार्टिशनिंग और टाइप है वर्टिकल पार्टीशनिंग हम अपने अगल, अगले लेक्चर में देखेंगे लेकिन आखिरी बात जो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ऑल दीज आर डिफरेंट ऑप्शन एंड यू हैव टू सेलेक्ट कि आया को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दीजिए। अल्लाह हाफिज